हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर है जो पूछ रहे कि IBPS RRB का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, RRB का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो आप मान के चलिए कि हर साल की तरह इस बार भी ये जून एंड में या फिर जुलाई के अर्ली में आएगा, जून एंड या जुलाई के अर्ली में आएगा आपका नोटिफिकेशन। तो हमको भी वेट करना पड़ेगा कब तक आएगा। और IBPS RRB के नोटिफिकेशन के बारे में गुड न्यूज़ ये है कि जो मेरे जो फाइनल ईयर के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी मुझे पूछ रहे हैं कि इस बार हम लोगों एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, कि लास्ट ईयर के ऐसे एडिशनल एग्ज़ाम्स होंगी। मैं बता दूं कि SBI क्लर्क का जो अभी नोटिफिकेशन आया है उसमें एक क्लॉज ऐड कर दिया उसमें कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक लिमिट तक आप अगर इतने रेट तक आप अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, मीन्स इन्होंने थोड़े डेट आगे बढ़ा दिए ताकि क्या है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स वाले भी एलिजिबल हो जाए। तो सेम क्लॉज भी IBPS RRB नोटिफिकेशन ऐड होने की बात चल रही है। यही गुड न्यूज़ है कि IBPS RRB नोटिफिकेशन में यही क्लॉज ऐड होने की बातें चल रही है। तो ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बातें हैं, अच्छी बात है, मीन्स वो लोग अभी पढ़ाई करते रहे और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स वालों के लिए भी अच्छी एक उम्मीद है। नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चल जाएगा, और नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और अगर वो क्लॉज ऐड होता है तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। आप पढ़ाई करते रहिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। मिनिमम आप दिन में 4 to 5 hours पढ़ाई करते रहिए, आज नहीं तो कल आपका ज़रूर होगा, जैसे मेरा भी हुआ है। आपका भी ज़रूर होगा। प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।